नमस्कार, यूथ कर्ना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज के तत्वाधान में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खबर विस्तार से। 175वें रक्षा पेंशन कार्यशाला एवं रक्षा पेंशन अदालत का दो दिवसीय आयोजन तहसील क्षेत्र के गहमर गांव के इंटर कॉलेज के प्रांगण में रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक राजीव रंजन के द्वारा किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के पेंशन विसंगतियों को दूर करने के लिए पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों ने आवेदन पत्र दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजीव रंजन द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात मनोज सिंह ने माँ कामाख्या देवी के ऊपर स्वरचित गीत गाकर कार्यक्रम को गति प्रदान किया। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज राजीव रंजन के आगमन पर गहमर ग्राम प्रधान बलवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने पुस्तक भेंट कर उनका जोरदार तरीके से स्वागत एवं सम्मान किया। ज्ञात हो कि इस दो दिवसीय 12 एवं 13 मई को रक्षा पेंशन कार्यशाला एवं स्पर्श जागरूकता कार्यक्रम शिविर में पूरे देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के उनके पेंशन में विसंगतियों को तत्काल दूर किया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथि GOC पूर्वी UP एवं MP सब एरिया मेजर जनरल JS बंसला एवं 39 GTC कमांडेंट ब्रिगेडियर राजीव नागयाल को भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर बक्सर उतरौली एवं सेवराय के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। प्रधान नियंत्रक ने भूतपूर्व सैनिकों के उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा की एवं उन्हें आश्वस्त किया कि पेंशन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक प्रयाग द्वारा त्वरित समाधान किया जाएगा। मनवा में असरा के दियना जलावे बोला बुकीना आठो पहरिया तोहके मन में बसौनी बोला बुकीना आठो पहरिया तोहके मन में बसौनी बोला बुकीना धन्य हो जाई ते माई अजुए अंगनावा ओही दिन जिंदगी में होई तो हो भजनावा। जैसे कि आपने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा सर्विसमैन वाला एक सर्विसमैन वाला गांव है। मैंने अपना कार्यभार नवंबर के महीने में पिछले साल संभाला और उस समय ही मुझे इसका ज्ञात हुआ। तब यहाँ एक पेंशन अदालत होने की बात चल रही थी दिसंबर के महीने में, तो किसी कारणवश उसकी तिथि आगे चलती गई और आज वो एक तरह से हो पाई। ये गहमर गांव के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी फौज के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इस गांव से इतनी अधिक संख्या में लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी सेवा दी देश के लिए, और ये एक मिसाल है सभी के लिए। तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस एक मौका मिला यहां पर आकर के आप सबसे विचार विमर्श करें। सर, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे फौजों की समस्या होती है, किस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा आती है और क्या सलूशन निकल रहा है? देखिए, बहुत संख्या में लोग हर वर्ष रिटायर होते हैं। अमूमन जो तकलीफें नज़र आती हैं वो या तो उनके पेंशन से संबंधित हैं या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है, हर चीज़ के तौर तरीके बने हुए हैं। अक्सर ये तकलीफें जो पेश आती हैं वो लैक ऑफ नॉलेज या पेंशन से पहले, रिटायर होने से पहले जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, इन कारणों से ये दिक्कतें आगे चल के पेश आती हैं। इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही इस तरह की पेंशन अदालतें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ताकि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके ना केवल पेंशन से संबंधित, हालांकि इसका नाम पेंशन अदालत है लेकिन इसका मुद्दा केवल पेंशन तक ही सीमित नहीं है,
पेंशन को देखने वाले पीसीडीए के पेंशन से आए हैं। मैं आया हूँ फौज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीज़ दिखाने। पहली बात फौज और साथ साथ पेंशन का जो पीसीडीए है वो हम सब मिलके, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याओं को दूर करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के अवसर मांग होते हैं, देखिए इस चीज़ पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है। सर एक मुद्दा आया था कि भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके बेटे आत्मदाह करने की भी कोशिश किए हैं, क्या उनके बारे में भी सैनिक कुछ सोचेगी, उनको पेंशन के बारे में परेशान है अपने जीवन से? अभी यहाँ प्रस्तुत किया गया था एक अंदेश। अच्छा जी, मैं यहाँ उस समय मौजूद नहीं था जी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आई है मुझे यकीन है कि उसकी मेरिट के ऊपर उस चीज़ को ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि वो ब्लाइंड हैं। अभी तो बोला साहब ने कि उसके उनकी डिटेल हम चेक कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उनको कानूनी तौर से टर्म्स एंड कंडीशंस के तौर से जो उनके लिए बनता है, यदि बनता है तो उनका उनका हक हमेशा ज़रूर निकलेगा। मैंने अपना कार्यभार नवंबर के महीने में पिछले साल से और उस समय ही मुझे इसका ज्ञान हो, तब यहाँ एक पेंशन अदालत होने की बात चल रही थी दिसंबर के महीने, तो इसी कारणवश उसकी तिथि आगे चलती गई और आज वो एक तरह से हो पाए। ये गहमर गांव के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी फौज के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इस गांव से इतनी अधिक संख्या में लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी सेवा दी देश के लिए, और ये एक मिसाल है सभी के लिए। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस मौका मिला यहाँ पर आकर के आप सबसे विचार विमर्श करें। सर रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे फौजों की समस्या होती है, किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं और क्या सलूशन निकलता है? देखिए बहुत संख्या में लोग हर वर्ष रिटायर करते हैं, अमूमन जो तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो या तो उनके पेंशन से संबंधित है या फिर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित है। हर चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है, हर चीज़ के तौर तरीके बने हुए हैं। अक्सर ये तकलीफें जो पेश आती हैं वो लैक ऑफ नॉलेज या पेंशन से पहले, रिटायर होने से पहले जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन है उनमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, इन कारणों से ये दिक्कतें आगे चलती पेश आती हैं। इन चीज़ों को, इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही इस तरह की पेंशन अदालतें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ताकि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके ना केवल पेंशन से संबंधित, हालांकि इसका नाम पेंशन अदालत है लेकिन इसका मुद्दा केवल पेंशन तक ही सीमित नहीं है। पेंशन को देखने वाले पीसीडीए के पेंशन से आए हैं, मैं आया हूँ फौज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीज़ दिखाने। पहली बात फौज और साथ साथ पेंशन का जो पीसीडीए है वो हम सब मिलके, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपने भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याओं को। वन रैंक वन पेंशन की अक्सर मांग होती है, ये क्या लगता है? देखिए इस चीज़ पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है। सर एक मुद्दा आया था कि भूतपूर्व सैनिक हैं जिनके बेटे आत्मदाह करने की भी कोशिश किए हैं, क्या उनके बारे में भी सैनिक कुछ सोचे कि उनको पेंशन के बारे में, परेशान है अपने जीवन से? अभी यहाँ प्रस्तुत किया गया था एक अंधे भी हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ उस समय मौजूद नहीं था लेकिन इस दौरान उन्हें वीर नारियों, वयोवृद्ध पेंशनरों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कैंप भी लगाए। इस दौरान अंचल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर चंद्रभूषण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राजीव कुमार, वरिष्ठ लेखा अधिकारी मनोज कुमार सिंह, राम बाबू केसरवानी, नीरज उपाध्याय, रिफुंजय आदि लोग का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ लेखा परीक्षक भास्कर भट्ट द्वारा किया गया। इस संबंध में प्रधान नियंत्रक राजीव रंजन ने बताया कि पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवार को पेंशन से संबंधित सभी विसंगतियों को उसका निस्तारण इस कार्यशाला में किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPU भी किया जाएगा। पूर्व सैनिक यहां आकर दो दिवसीय इस कार्यशाला में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करा सकते हैं।
यह खास रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता नसीम खान की। हमारे गांव के बारे में मुझे पिछले 20 साल से जानकारी है और हमारे ऑफिस में अपने भी इस एरिया के पेंशनर्स आते थे, उनकी समस्याओं को वहाँ सुलझाते थे, दूर करते थे, लेकिन वो इक्का दुक्का जो वहाँ तक पहुँच पाते थे उनकी समस्याओं का निदान नहीं करते थे। यह वर्षों से प्लानिंग चल रही थी, खासकर इस मेरठ इस टर्न में। एक बार गहमर चल में जाकर, चूँकि एशिया का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पेंशनर्स का भी अच्छी तादाद रहती है और इसके आसपास भी जितने जिले हैं ये संख्या मिला दीजिए करीब 30,000 से ऊपर का संख्या बनता है पेंशनर्स का। तो उनके घर पर जाकर, उनके एरिया में जाकर समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें, जिससे जो लाचार हैं, जो इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं या लेटर के माध्यम से अपनी समस्याओं का सुझाव निदान नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए सर्विस एक्ट ढूंढना के तहत इस गाँव में, इस एरिया में इस पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। सर, ऐसे में अभी देखा जाए तो एक अभी सैनिक के पुत्र थे जो ब्लाइंड थे और आत्मदाह की बात कर रहे थे, हालांकि 1962 में लड़ाई करने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? इसके लिए जैसा जनरल साहब ने कहा और हम अपने भाषण में बोल चुके हैं कि उसके रिकॉर्ड से सर्विस में क्या है उसकी खुशी ली जाएगी और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे और किस तरह की समस्याएँ सर दिखाई रही हैं, नजर आई हैं? यहाँ समस्याएँ चूँकि हमारे ऑफिस में जो आती है उसको हम कंपाइल करते हैं तो पता चलता है कि जो बैंक से रिलेटेड समस्या है, सर अभी तक बैंक से ले रहे थे, उसमें लार्ज 80% पेंशनर्स की समस्या बैंक से आती है, क्योंकि हम जो परिजेंडम PTO इशू करते हैं रिटायरमेंट के बाद उनका जो फिर से बनता है या उनका पेंशन की जो पे है कि बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, फिर तो उनका जो परिजेंडम PTO हम इशू करते हैं, बैंक उसको 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल लगा देते हैं उसके एरियर को क्रेडिट कर देते हैं। तो खासकर यहाँ पर जो यूनियन बैंक है उस पर सारे अधिकतर पेंशनर्स या बैंक का पेंशन लेते हैं, उनकी अधिकारी से भी गुजारिश की गई कि आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए। बैंक CPPC का जो नया कंसेप्ट आया है कि बैंक सारे बैंक जो जैसे यूनियन बैंक है उसका सेंट्रलाइज CPPC बॉम्बे में है, उनको भी अप्रोच किया गया कि आप इस समस्या का समाधान करें। हम ऑडिट टीम भी भेजते रहते हैं जिससे कि ऑडिट करके उनका जो सही हक है जो मिलता है बैंक खासकर यूनियन बैंक से पता चला, उसको भी हम उनका निराकरण करते हैं। अगला कार्यक्रम कहाँ होगा सर? अभी जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, चूँकि बता चुके हैं आगे फिर इस एरिया में। सर, ऐसे में अभी देखा जाए तो एक अभी सैनिक के पुत्र थे जो ब्लाइंड थे और आत्मदाह की बात कर रहे थे, हालांकि 1962 में लड़ाई करने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया, इस पर क्या कहेंगे, क्या लगता है? इसके लिए जैसे जनरल साहब ने कहा और हम अपने भाषण में बोल चुके हैं कि उसके रिकॉर्ड से सर्विस में क्या है उसकी खुशी ली जाएगी और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे और किस तरह की समस्याएं सर दिखाई नजर आई? यहाँ समस्याएं चूँकि हमारी ऑफिस में जो आती है उसको कंपाइल करते हैं, पता चलता है कि जो बैंक से रिलेटेड समस्या है सर अभी तक बैंक से ले रहे हैं, उसमें लार्ज 50% पेंशनर्स की समस्या बैंक से रहती है, क्योंकि हम जो परिजेंडम PTO इशू करते हैं रिटायरमेंट के बाद उनका जो फीस कैसे बनता है या उनका पेंशन ये जो पे है बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, तो उनका जो परिजेंडम PTO हम इशू करते हैं बैंक उसको 2 साल 2.5 साल या 3 साल लगा देते हैं उसके करियर को क्रेडिट करते हैं। तो खासकर यहाँ पर जो यूनियन बैंक है उसका सारे अधिकतर पेंशनर्स या अपना बैंक का पेंशन लेते हैं, उनकी अधिकारी से भी गुजारिश की गई कि आप अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए। बैंक क्योंकि किसी का जो नया कंसेप्ट आया है कि बैंक सारे बैंक जैसे यूनियन बैंक है उसका सप्लाई जैसे बॉम्बे में उनको भी अप्रोच किया गया है कि आप समस्या का समाधान करें। हम ऑडिट टीम भी भेजते रहते हैं जिससे कि ऑडिट करने का जो सही हक है बैंक यूनियन बैंक से काम करते हैं उसको भी हम बहुत दिखा रहे हैं। अगला कार्यक्रम कहाँ होगा? Thank you, sir.